अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज़ हुसैन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सबको, सब लोग, और वालेकुम अस्सलाम उरूज, आज लोग आ का रहे हमारा हैं। जो टॉपिक है, आ रहे हैं लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही आई वुड से सैड है, इंसान को हिला दे वैसा टॉपिक है। इज बिकॉज अभी जो रिसेंटली वाकयात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बिल्कुल इंसान के वजूद को हिलाने वाले हुए हैं। एंड मी एंड डॉक्टर मोइज वर डिस्कसिंग अबाउट इट थ्रू आउट द टाइम वेयर वी वर लिसनिंग टू द न्यूज़, लोगों के इंटरव्यूज, प्रोग्राम्स, हम सब देख रहे थे। तब ये सारी बातें जो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे, तो डॉक्टर मोइज ने कहा, यार ये बेसिक चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दे रहे, इन साइंस पे, इन बेसिक चीज़ों पर, इन बेसिक कामों पर हम नहीं ध्यान दे रहे जिनसे शायद हम कोई सुधार कर सकें। और उसके साथ साथ अगर कोई इस हादसे से गुजरता है तो उसको क्या करना चाहिए। सो वी वुड बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुडे। इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग, दे वॉन्ट टू से समथिंग, प्लीज राइट इट डाउन सो दैट वी कैन शेयर। सर, आज का जो आपने टॉपिक रीफ्रेस किया है, तो आपने इस टॉपिक को एक नया पहलू, एक नया सेंटेंस दिया है, उसके बारे उसके उससे शुरू करते हैं पहले कि डज अ पर्सन गेट रेप बाय एन इंडिविजुअल और अ सोसाइटी। क्या एक इंसान को, एक सिंगल इंसान रेप करता है या पूरा माशरा? सर इससे स्टार्ट करते हैं। एक तो मेरे ख्याल में इस मुल्क में और दुनिया भर में जो भी इंसान जिसके अंदर शऊर हो या इंसानियत हो या उसके अंदर कर्ब और तकलीफ हो किसी को दुख देखकर, उस वाक़े से बहुत रंजीदा हुआ हो, और इसके लिए जितने अल्फाज भी कहें मजम्मत करें कोई काफ़ी नहीं है इसके लिए, कि जिसका जाता है और जिसके साथ होता है वो दुख जो उसको होता है वो मैं और आप कभी महसूस नहीं कर सकते। असल में माशरा जिम्मेदार होता है बहुत सारी बुराइयों का जो माशरे में होती है। इसका मतलब ये कि अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल जिम्मेदार है और आप उसको सजा दे दें तो वो पूरा माइंडसेट जो माशरे का है वो बदलता नहीं। प्रॉब्लम यह माइंडसेट का है। हमने देखा कि जो CCPO थे, पुलिस साहब वाले, वो उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिए, इन्होंने कंडीशनल माफ़ी मांगी। हम ये बयान देने का तुक क्या है? आप ये कैसे जज कर सकते हैं कि अगर किसी को तकलीफ हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ? हाउ कुड यू इवन से दैट? क्या किसी को तकलीफ नहीं होगी? जी शऊर इंसान जिसके दिल में दर्द हो, जिसके सीने में दिल हो, क्या वो इस दर्द को महसूस नहीं कर सकता? तो अब पता चला कि सोसाइटी का, पूरे के पूरे सोसाइटी का एक माइंडसेट है, और ये माइंडसेट नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे वो आला ओहदे पे लोग बैठे हो, चाहे गवर्नमेंट के लोग हो, चाहे रियासत हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे हुकूमत हो, कोई भी हो, एक माइंडसेट चला आ रहा है जिस माइंडसेट के अंदर औरत की जिंदगी की, उसकी इज्जत की कोई वैल्यू नहीं। और अगर हम इसको देखें कि जिस तरह हमारी बेटियों की आम तौर पर घरों में तरबियत होती है या उनको रखा जाता है, इट्स लाइक अ सेकंड सिटीजन, सेकंड ग्रेड सिटीजन। बेटे को जो फौकियत मिलती है, रात मिलती है, तालीम हासिल करके वारिस हो अगर चली जाएगी, तो ये जो सोच है, ये सोच बेसिकली हजारों साल पुरानी सोच है। अब आप सोचें कि किसी दौर में अरब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, दुनिया में तशरीफ लाने से पहले, लड़की पैदा होती थी जिंदा दफन करते थे। आज भी यही हो रहा है, आज जिंदा दफन नहीं करते, आज उसके साथ ही ज्यादती के बाद मार दिया जाता है। तो ये पूरा माशरा वायरस शुदा हो चुका है। अब ये माशरा जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक माशरे में रहने वाले अफराद तब्दील नहीं होंगे। एक दो को फांसी दे सकते हैं, देनी चाहिए, और ऐसी देनी चाहिए कि इबरत का निशान बने दूसरों के लिए, मगर ये हल नहीं है। वैसे तो माशरा पूरा चेंज करना होगा, और ये माशरा इतनी आसानी से चेंज नहीं होगा। अच्छा सर, एक चीज ऐसी मेरे जहन में आई जब मैं सारे कमेंट्स पढ़ रही मेरी थी। आवाज अभी आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। मैं अभी एक चीज मेरे जहन, तो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? रूप मेरी आवाज आ रही? हेलो, मुझे लगता है उरुज को मेरी आवाज नहीं आ रही। आप लोगों को मेरी,
आ रही आ रही आपकी आ रही तस्वीर नहीं आ रही, आपकी तस्वीर नहीं आ रही है सर। आई कैन हियर यू, आई कैन सी यू, नाउ आई कैन सी यू। जी अच्छा सर, एक मेरे सवाल जहन में आया अभी जब सारे कमेंट्स पढ़ रही थी मैम, और वो ये सवाल ये था कि वी लिव, हेलो आवाज आ रही है अब सही, चलो आवाज आ रही हो। आई थिंक कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम है, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मुझे यस लिखें। गुरु मेरे ख्याल में वापस ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है। ओके तो मेरे से हमने सवाल ये आए जब मैं सारे पढ़ रही थी, कमेंट्स पढ़ रही थी सारे, तो मेरे से हमने सवाल आया कि सर हम सब रहते हैं मुस्लिम माशरे के अंदर, और मुस्लिम माशरे के अंदर जितना चीजें औरतों के लिए करने की उतनी मर्दों के भी की है, अगर वो सारी चीजें फॉलो करे कोई, नजर का पर्दा, नजर छुपा देना, तो ये सब इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज, आई थिंक द ओनली टू कंट्रीज, बट पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज जो इस्लाम के बेस पे आधारित हुआ है। हाँ ये तो फैक्ट है कि दुनिया में दो मुल्क हैं जो बने थे दीन के या मजहब के नाम पर, एक पाकिस्तान एक इजराइल। अब मसला ये कि मैं क्या बात करूँ, बार दफ़ा बात करते हुए बहुत सोचना पड़ता है। उरूज यहीं बैठी है दोस्तों, मेरे पास आ गई है क्योंकि वहाँ से इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा था, तो उरूज ने यहाँ से यहीं से सवाल पूछेगी, यहीं से मैं जवाब दूंगा। आई एम श्योर आपको सवाल सुनाई दिया होगा उरूज ने जो कहा है। देखिए जी, असल में इस्लामी माशरे का तसव्वुर जो असल होना चाहिए वो है नहीं। रिलीजन हमारे लिए रसूमात की एक एक, 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 एक बंडल बन गया कि आप ये करें वो करें वो करें। जो असल एसेंस था रिलीजन का, जो कि अखलाकियात पर मबनी है, वो एसेंस भूल गए। किसी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, खूबसूरत बात कही, चाहता हूँ आपको शेयर करूँ, सोचने की बात है, लहमे फिक्रिया है। उन्होंने कहा नमाज के बाद, नमाज पढ़ने के बाद इस्लाम शुरू होता है। इसका मतलब पता है क्या है? नमाज इबादत है, पैदा करने वाले के हुजूर जाकर उसकी बराई बयान करना, उसकी तौहीद का इकरार करना, उसकी एक होने का इकरार करना। अच्छा, हम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, क्रिश्चियन अपनी तौर पे इबादत करते हैं, दुनिया के हर मजहब का इंसान जो परवरदिगार पे यकीन करता है, अल्लाह ताला पे यकीन करता है, चाहे कोई भी नाम हो, वो इबादत करता है अपनी अपनी इबादत के तरीके। तो नमाज इबादत है परवरदिगार की, पैदा करने वाले, मगर पैदा करने वाले ने माशरे में इंसान को किस तरह रहना है, क्या किरदार अदा करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज क्या है, वो शुरू होती है नमाज के बाद। यानी अगली नमाज से पहले और पहली नमाज के बाद जो दरमियाना वक्फा है, जो वक्त के बीच में, उसमें इंसान को इस तरह जिंदगी गुजारनी है जो रब ने कहा है, वो मिसिंग है। इसकी हमें तालीम दी नहीं गई, हमें बताया नहीं गया इतनी इंपॉर्टेंस है। इंसानी मामलात, इंसानी माशरा बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला बार बार अगर किसी चीज़ की इशारा कर रहा है कि फला कौमों को तबाह किया, फला पे अजाब डाला, आपने सोचा कि किस लिए डाला? सिर्फ बात तौहीद की नहीं थी? कोई कम नाप तो नापते थे, कम तोलते थे, कोई बुराइयों में मसरूफ थे, कुफर का अलग अलग तरीका था। सिर्फ बुत परस्ती वालों को नहीं मारा अल्लाह ने, अल्लाह ने उन कौमों को बर्बाद किया जो समाज को या माशरे को बर्बाद कर। बहुत बड़ा लेसन है कुरान में अगर समझो तो। हम ये बेसिक चीज भूल गए, हम चले गए रसूमात की तरफ। रसूमात का अपना एक मकाम है, मगर इस्लाम का एक बहुत बड़ा पिलर है इखलाकियात, मामला, इंसान से इंसान का मामला क्या होना चाहिए। मैं कई दफा ये बात कह चुका हूँ कि जन्नत और जहन्नम का ताल्लुक इंसानी मामलात के साथ है। वो तो गफूर रहीम है, वो माफ कर देगा अगर उसकी इबादत मिस हो गई गलती से, बीमारी में, वो माफ कर सकता है, उसके पास ही इख्तियार है माफ करने का। मगर इंसान इंसान को जब तक माफ नहीं करेगा, रब भी माफ नहीं करेगा। सही। अच्छा सर, इस
इसमें एक सवाल मेरा, ये तो आपने बात की मार्शलिंग की, एक सवाल मेरा ये है कि बैक टू बैक कुछ सालों में हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं. अच्छा, बड़ा शोर होता है सोशल मीडिया पे, जस्टिस फॉर दिस पर्सन, जस्टिस फॉर दैट पर्सन, लेकिन इवेंचुअली होता है क्या कि भाई बात जितनी उठती सेवन बबल की तरह उतनी जल्दी वायरल हो जाती है, राइट? ये लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि यार उस औरत ने ऐसे कपड़े पहने होंगे, उस बच्ची ने ऐसा कुछ पहना होगा, उस बच्ची ने ऐसा किया होगा. When somebody gets raped at that time, उस शख्स की mentality क्या होती है और उसमें क्या victim का कोई हाथ होता है जिसपे लोग उसको blame करते हैं, shame करते हैं? देखिए जी, बात ये है कि जब आप अपने माशरे में अपने घर की बुराइयों को नहीं देख पाते, उन लोगों को सजा नहीं दे सकते. अभी जो उनमें से दो में से एक बंदा पकड़ा गया, ऑलरेडी उसके पास कई रेप के केसेस हैं और वो आजाद घूम रहा है. तो जब माशरे में आप उन अनासिर को पकड़ नहीं सकते, सजा नहीं दे सकते, आप अपनी मजबूरी का इजहार किस तरह करते कि जी लड़की ने इस तरह कपड़े पहने होंगे या वो रात के वक्त क्या कर रही थी. मतलब कैसी अजीब और गरीब बात है कि रात के वक्त अपने बच्चों को लेकर कहीं जा रही थी, रास्ते में गाड़ी खराब होगी, आप उससे कह रहे कि तुम इतनी रात को निकलना नहीं था घर से. तो ये वो सोच है, ये बेसिकली वही माइंड सेट है जो बार बार मैं कह रहा हूँ. ये माइंड सेट ऐसा है कि औरत को गुलाम बना के रखो, आपसे नीचे जो भी कमजोर हो, चाहे वो बच्चे हो, बच्चियां हो, कोई भी हो, जो भी कमजोर हो उसको दबा के रखो. अच्छा, इसको बेसिकली एक और टर्म भी यूज होती है कि ये एक ऐसा जो रेप है, ये बेसिकली एक ऐसा केस है जिसके अंदर रेपिस्ट को ताकत मिलती है, जुनून मिलता है, क्योंकि वो जो जिसको रेप किया जाता है वो कमजोर होती है, कमजोर होता है. तो ये जो इजहार है कमजोर के ऊपर अपना अपना हमला करना, उसको दबाना, उसके साथ ज्यादती करना, उसके साथ जुल्म करना, उसको कत्ल करना, उसको मारना, ये बेसिकली एक ताकत देती है ऐसी. तो ये एडिक्शन हो जाती है, जो बेसिकली रेपिस्ट होते हैं उनकी इवेंचुअली एडिक्शन हो जाती है, और एडिक्शन के बाद वो मुसलसल इस काम को बार बार करते हैं जब तक वो पकड़े ना जाए, उनको सजा नहीं दी जाए. इस्लामी माशरे में मर्द औरत का मुहाफिज होता, चाहे वो भाई हो, बाप हो, शौहर हो या बेटा, वो मुहाफिज है. मर्दों ने, मैं सब मर्दों की बात नहीं कर रहा, मैं जनरलाइजेशन में बात कर रहा हूँ, मर्दों ने ये किरदार जो है ये अदा करना बंद कर दिया. फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, जो तस्वुर हमें दिया गया वो ये है कि परवरदिगार रहमान रहीम है, 100% है, बिल्कुल है, वो माफ़ कर देगा. यानी हर चीज़ माफ़ कर देगा, कैसे माफ़ कर देगा? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो झूठ बोले वो हम में से नहीं है, तो जब हम में से नहीं है इसका मतलब शिफात कैसी होगी? फिर चाहे उम्रे कर लो, हज कर लो, जो भी कर लो, जब झूठ बोलने पर इतनी बड़ी बात है कि वो हम में से नहीं है, हम उन्हें मतलब वो पहचानेंगे नहीं रोजे मैशर कि ये मेरी उम्मत है, नहीं, क्योंकि झूठ बोलता था ये आदमी. तो झूठ बोलने पर इतनी बड़ी बात है, तो जो किसी के साथ जबरन करे जना, रेप करे, तकलीफ दे, मार दे, और ये कोई छोटी बात नहीं है. बहुत सारी बातें छुपा दी गई है, मीडिया पर भी नहीं आ रही. आपको पता है जो 300 बच्चे और बच्चियों के केसेस थे, जैनब से पहले थे, जैनब के बाद ये कुछ चीज़ें सरफेस पे आई, जिन लोगों ने कोशिश की उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, और उसके बाद ना जाने कितनी, आज मुझे किसी ने इतला दी कि कराची से 3 बच्चियां जो है वो अगवा हो चुकी हैं, और उनमें से शायद 1 या 2 की लाश मिल गई है, 1 बच्ची अभी भी लापता है. तो ये आपके घर के बाहर आपके बेटे, आपकी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बेटे महफूज नहीं है. तो जिस माशरे में जंगल से बुरा कानून हो, किसी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की और मैं तुम्हें समझाता हूँ इस बात को. जो जंगल का कानून होता है, जंगल में दरिंदे रहते हैं. हम इस माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में, दरिंदे से भी नीचे चले गए. यानी पता नहीं क्या दर्जा होगा नीचे का, मुझे नहीं पता. दरिंदों में भी एक खास असलूब होता है. असलूब ये होता है कि दरिंदा जब इस अमल को अंजाम देता है तो मादा की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता. फीमेल अलाउ करती है तो मुमकिन है. ये दरिंदों की बात कर रहा हूं, जानवरों की बात कर रहा हूं. वहां पे भी एक असलूब है, एक कानून है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पे भी.
मगर इंसानों की इस माशरे में, हमारे माशरे में ऐसी चीज नहीं मिलती जो दरिंदों से बदतर हालत हो गई हमारी, पता नहीं किस जगह पहुंच गई। लेकिन उससे ज्यादा उनकी बेबसी या वो अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, या अपना कोई और कहते हैं जोर जबरदस्ती दिखा रहा है कि हम किसी पे हावी है, तो हम उनसे बेहतर है, ये सोच होती है। देखिए फ्रस्ट्रेशन, हमने लास्ट टाइम अब्यूज के ऊपर बात की थी, अगर तुम्हें याद है, अब्यूजिव स्पाउस पे बात की थी। किसी किस्म की ज्यादती हो, चाहे वो जबान से हो, चाहे वो हाथ पैर से हो, कोई तरीके से, मैंने कहा था ना, देखना भी अगर गलत तरीके से देखा वो भी अब्यूजिव है। तो होता ये है कि माशरे में जब फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाती है, और माशरे में यानी समाज में फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाती है, तो कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपने स्पाउस को डांट के, लड़ के, बच्चों को मार कर, कोई और तरीका होता है, मगरिब में बहुत होता है, गोलियां चलती है, स्कूल में जाके कोई फायरिंग करता है, इतने बच्चों को मार देता है, कई चीज़ें अपने अमेरिका में आने वाले दिनों में जो गुजरे हुए दिन थे उसमें आपने सुनी, और अल्लाह ना करे कि आने वाले दिनों में भी ऐसी कोई बात हो। मगर ये जो एक्ट है कि किसी की मर्जी के खिलाफ आपने एक ऐसा अमल किया कि वो औरत या वो बच्ची अगर तो जिंदा है तो सारी जिंदगी इस अमल को नहीं भूल सकती, इस ट्रॉमा को नहीं भूल सकती, और अगर उसको मार दिया, जैसे बहुत सारे केसेस में होता है, अपना जुर्म छुपाने के लिए बच्चों के टुकड़े टुकड़े किए। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी सीक्रेट है जो शायद पता नहीं आप में से कुछ लोगों को पता हो, कि एक डार्क वेब के नाम से दुनिया है, और वो उसमें लोग होते हैं, लाखों लोग देखते हैं इन लाइव वीडियोस को, जहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ ज्यादती होती है और उनको इस तरह काटा जाता है जैसे चम्मच से आंखें निकाल दी गई, इतनी अजियत दी जाती है और वो अजियत दिखाई जाती है लाइव डार्क वेब, और ये खरबों डॉलर का ये कारोबार है। तो ये सिर्फ इक्का दुक्का केसेस नहीं है, पूरी एक सिंडिकेट काम कर रही है, एक माफिया काम कर रहा है। अच्छा सर, ये कहते हैं कि एक लड़की जब रेप हो जाती है या एक लड़का है लड़की, बिकॉज हमने वहाँ पे ऐसे बहुत सारे केसेस आए जहाँ पे मेल बच्चे और इवन एक सर्टन टीनेज बच्चों को, जो लड़के थे उनको भी रेप किया जाता है, सर वो कैसी मेंटेलिटी? बिकॉज यहाँ पे जो हमें सरफेस पे जो बहुत केसेस आते हैं वो डेफिनेटली फीमेल बेस्ड आते हैं, बट मेल्स भी रेप हो रहे हैं एंड दे आर गेटिंग रेप बाय अ मैन और अ वुमन एज वेल। मैं क्या बताऊँ, बात चीज़ें मैं बोल भी नहीं सकता, हज़ार इतने लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं हमें, मैं बता भी नहीं सकता। तो उनको पता है कि अगर आप सर्च करो गूगल पे तो एनिमल सेक्स की सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तान से, जानवर के साथ सेक्स, बकरी के साथ। मुझे नहीं पता ये किस किस्म की मेंटेलिटी है, ये किस किस्म का इंसान है। इंसान तो मैं नहीं कहूँगा, मुझे आदत है हर शख्स को इंसान बोलने की तो मुँह से निकल जाता है, क्या करूँ, मगर ये हैवान और दरिंदों से भी बदतर है ये ऐसे लोग। तो जब ये इस किस्म के लोग हैं तो फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर उनकी सेक्चुअल इंस्टिंक्ट ऐसी है या उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए तो वो कोई भी मिल जाए, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। मगर उनको ये नहीं पता कि जिसके साथ वो ये एक्ट करते हैं या अमल करते हैं उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे केसेस आते भी हैं, आ भी रहे हैं, जहाँ जब कोई नौजवान हमारे पास आता है, उसको कोई इशू है लाइफ में, कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ एस्टीम लो है उसकी, इज्जत नफ्स मजरू है उसकी, वो बात करते हुए घबराता है या फैसले करते हुए घबराता है, तो कई दफ़ा जब हम बैक में ले जाते हैं तो पता चलता है कि बचपन में उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है। अच्छा, ये टॉपिक है जो आमतौर पर टेलीविज़न पर बहुत क्लियरली डिस्कस नहीं होता, और इसकी वजह भी है कि ज़ाहिर है हर की कोई टेलीविज़न देखता है, बच्चे भी देखते हैं, तो चीज़ें डिस्कस नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो बड़े तरीके से पर्दे में। अब उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, रेप करने वाले को कोई हाथ नहीं लगा था। आप सोचें जिस मुल्क में एक साइकिल चोर को इतना कूटा जाता है थाने में कई दिन तक, आज भी पाकिस्तान की जेलों में कई ऐसे बेगुनाह सज़ा काट रहे, ऐसे जुर्म की नाकर्दा गुनाह जिसको कहते हैं, तो जुर्म भी उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ना उनके पास पैसे वकील को देने के,
ना पैसे हैं कि वो किसी तरह बेल मिल जाए कोर्ट से, कुछ ऐसे जिन पे मुकदमा चल रहे हैं, उन मुकदमा का फैसला भी नहीं हुआ, 10-10, 12-12 साल हो गए और वो जेल में सड़ रहे हैं जबकि वो मुकदमा का फैसला नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ कि वो शख्स मुजरिम है या मुलजिम है। कैसा इंसाफ है इस माशरे में, किस किस्म का ये माशरा है जहां ना लड़का महफूज है ना लड़की महफूज है, बड़ी उम्र की खातून महफूज नहीं है, जहां कोई महफूज नहीं है, जहां दूध मिले तो वो नकली, ठंडा पियो तो वो नकली, पानी में गिलाजत, तेल जाली, मतलब दवाई नकली, कुछ सोच नहीं सकते कि जाली दवाई कैसे बन सकती होगी, ये माशरा है हमारा। अच्छा सर एक मुझे बात बताइए, हम एक बहुत एक्सट्रीम केस की बात कर रहे हैं एज़ अ ब्रेक राइट, लेकिन छोटे मोटे अब्यूज डेली बेसिस पे फीमेल स्पेशली हमारे माशरे में फीमेल बहुत ज्यादा फेस करती है, शॉपिंग मॉल्स के अंदर ग्रुप होती है, कोई हाथ मार के चला जाएगा, कुछ बसों के अंदर टच करते हैं। अच्छा उसके बाद सेकंड आता है कि जी कहीं पे अगर वो पढ़ने जा रही है, कहीं पे कोई ट्यूशन ले रही, वहाँ पे कोई टीचर या कोई बड़ा आपके साथ ये कर रहा है। तीसरा स्टेज आते घर के अंदर मामू चाचा ये सारे कर रहे होते हैं, आपको टच कर रहे होते हैं या इस तरह के केसेस अब्यूज कर रहे हो आपको, और जब वो जाके ये बात अपने घर वालों को बोलती है, बोलती बेटा चुप होके बैठ जाओ, कुछ मत बोलो, आपको लगता है ये बोलना माँ बाप का या घर वालों का, तो चुप होके बैठ जाओ कुछ मत बोलो, वो इस तरह के एक्स को और पुश करता है। अगर बच्चा कोई इस किस्म की चीज एक्सपीरियंस कर रहा है किसी वजह से भी, कहीं से भी, क्लास में हो रही है या दोस्तों में हो रही है या कोई अंकल के घर जाता है वहाँ से हो रही है, जाहिर सारे ऐसे नहीं होते, बड़े शफीक रिश्ते होते हैं, बड़े प्यार करने वाले मोहब्बत करने वाले रिश्ते होते हैं, कुछ घरों में ऐसे अफराद होते हैं डेफिनेटली, तो माँ बाप का सपोर्ट अगर ना मिले तो बच्चा तनो तना हो जाता है, बेटी हो या बेटा हो, याद रखना जब वो तनो तना हो गया तो वो मजबूर हो गया, लाचार हो गया, अब वो उस शख्स के रहमो करम पर है, जहाँ पर भी वो शख्स हो वो जितना फायदा उठाना चाहे उठा सकता है। तुम्हें याद हो हमने रूट कई सालों पहले स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए जो बच्चे रोडों पे सोते हैं, रोडों पे ही काम करते हैं, उनका हमने एक एनजीओ के थ्रू एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया और वो बच्चों ने जो हमें बातें बताई वो हम हिल गए, उनके साथ क्या सुलूक होता है, पुलिस के सारे लोग नहीं, 10-11-12 साल के बच्चे, 13 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट हुई है, और उसमें मैं सारे पुलिस वाले नहीं, माशाल्लाह पुलिस में ऐसे भी लोग हैं ईमानदार दयानतदार फर्श शनास अपनी जान देना, मगर बहुत सारी काली भेड़ हैं, तो वो बताते थे कि किस तरह पुलिस के सिपाही जो है वो उनको रेप करते थे रातों, उन लड़कों को जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है। अब मुझे बताइए जिस पे आपको भरोसा हो कि वो आपकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि देखिए ना हिफाजत दो किस्म की होती है, एक अंदरूनी एक बैरूनी, बैरूनी हिफाजत हमारी फौज करती है, हमारे मुल्क को दुश्मन से बचाती है, अंदरूनी फौज जो होती है हमारी वो हमारी पुलिस है या उस किस्म के इदारे हैं, तो अगर उन पे जो आपको भरोसा एतमाद हो और वो आपके साथ ये करे, सारे पुलिस वाले नहीं चंद की बात कर रहा हूँ, तो फिर मुझे बताइए वो शख्स का, अब वो शख्स जब बच्चा बड़ा होगा तो यही अमल वो दूसरों के साथ करेगा, ये आज आपको पहली बात बता दूं मैं, जब इस किस्म का अमल होता है किसी बच्चे के साथ बड़ा होने के बाद, या तो वो दब जाता है, सप्रेस हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, या फिर वो ये अमल इंतकामन दूसरों के साथ करता है। अच्छा सर सोसाइटी को और फैमिली को से क्या रोल अदा करना चाहिए, अगर क्योंकि मैं तो शायद इस बात की बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे वाइफ्स रेप्ड हुई है, अपने खानदान में लेकर शौहर को नहीं बता सकती, या बच्चियाँ शादी से पहले रेप हुई अपने माँ बाप को नहीं बता सकती, वो रेप है जो साइलेंट रेप होता है, घर में किसी जानने वाले ने कर दिया, बाजार में गुंडे वाले किसी अनजान शख्स ने नहीं किया वो, और अगर अनजान शख्स ने भी कहीं मोटरवे का जो केस हुआ है, मुहावरा का केस हुआ है, इन सारी चीजों में अगर आपके पास सोसाइटी के पास या आपके घर वालों के पास कोई रेप विक्टिम या रेप सर्वाइवर आए तो क्या रिएक्शन होना चाहिए, बिकॉज अभी तो यही होता है चुप होकर बैठ जाओ कुछ मत करो, लोग क्या कहेंगे किसी को पता ना चले, बट व्हाट शुड अ वुमन बी लाउड एंड गो आउट और शुड अ वुमन बी स्टेड एट होम एंड डू नथिंग। अ वुमन हैज टू बी लाउड वर्बल एंड हैज टू एक्सप्रेस व्हाटएवर वे शी कैन, और घर वालों का अब जमाना तब्दील हो चुका है, अब लोगों में इतना शऊर आ गया है, अगर आपकी बेटी या बेटे के साथ कोई ज्यादती करने की कोशिश भी कर रहा है तो माँ बाप को सख्त इकदाम उठाने होंगे, खड़ा होना पड़ेगा, अगर कोई रिश्तेदार है तो उससे रिश्ता टूटता है तो टूटे, आपकी औलाद आपके लिए सबसे अहम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, जिस औलाद के लिए बाप सुबह जाता है रात को थका आ रहा आता है,
माँ पूरा दिन काम करती है, बच्चों की तरबियत करती है, उस औलाद पे किसी को फौकियत नहीं होनी चाहिए, किसी और रिश्ते को नहीं होनी चाहिए। बहुत अहम है ये बात याद रखें। तो माँ बाप को चाहिए कि अगर बच्चों में किसी को ऐसी चीज़ पाई गई है, लगता है कि बच्चा सहमा हुआ है, डरा हुआ है, बात नहीं कर रहा, तो बराए करम उस बच्चे को खोले, उससे इजहार कराए, उससे बात करे और उसको सपोर्ट दे और स्टैंड ले। और जहाँ पे भी आपको ये चीज़ नज़र आए, अगर आप पड़ोसी हैं और आपके पड़ोस में कोई ऐसा वाक्य हो रहा है, प्लीज़ अपने पड़ोसी का साथ दें। हम में से हर आदमी को एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी इस बीमारी को, इस गुनाह को, इस जुर्म को, इस गलाजत को हमारे माशरे से हम कम कर सकेंगे। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, कल किसी और की बेटी थी, खुदा न करे आने वाले कल आपकी बेटी ना, आपकी बहन ना हो, क्योंकि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे ये चीज़ दबेगी नहीं, ये रुकेगी नहीं, ये कम नहीं होगी। जिसके साथ ये हुआ उस पर अफसोस करना चाहिए कि जिसने किया उस पर अफसोस करना चाहिए? नहीं, जिसने किया उसकी तो मुजम्मत हो, उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, अफसोस नहीं होना चाहिए। मगर नॉर्मली ये होता है कि हम अफसोस इसलिए करते हैं कि हमारे हाथ में नहीं होता, हम ये समझते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम ज़्यादातर अफसोस करते हैं। अफसोस से ज़्यादा उसके दुख में शामिल होकर वो इकदाम करें जिससे उसके दुख का किसी हद तक अजाला हो सके। मुकम्मल तो नहीं हो सकता, मतलब मजलूम को इंसाफ देना, ये दीन कहता है आपको, मजलूम को इंसाफ देना, हक के लिए आवाज़ उठाना, ये दीन कहता है। सूरह असर के अंदर ये तालीम दी गई है, बहुत अहम सूरह है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने सिर्फ मुसलमानों को मुखातिब नहीं किया, पूरी बनी नौ इंसान को मुखातिब किया है। तो उसमें चार कंडीशन में जो एक शर्त है वो ये, हक के लिए हक पे खड़े रहो। हक का मतलब है बातिल का मुकाबला करो, बातिल के खिलाफ आवाज़ उठाओ, हक के लिए आवाज़ उठाओ। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी हमारे घरों के अंदर। अब बराए करम बहुत हो गया, बहुत ज़ैनब तकलीफ उठा उठा के, उनके साथ ज्यादती हुई, रेप हुआ, कत्ल हुआ उनका, ना जाने और कितनी ज़ैनब पाकिस्तान में इस अलमिये से गुजरेगी, इससे पहले कि ये बात बढ़े, हम सब ने कोई ना कोई अपने तौर पर जो कर सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम साथ दे सकते हैं, हम कंडेम कर सकते हैं, हम अपने हाथ उठा सकते, जो कर सकते हैं हम करें। अच्छा सर, तो एवरीबॉडी से मानते हैं कि उस शख्स को आप चौराहे पे लटका दो जिसने ये मैंने एक बात कही और ये बात बड़े गौर से सुनने की है। माहिर नफ्सियात से ज्यादा इंसान की नफ्सियात पैदा करने वाला जानता है, यानी अल्लाह से ज्यादा कौन जानेगा कि असल नफ्सियात क्या है। माहिर नफ्सियात तो चंद बेसिक उसूल होते हैं, उन उसूल पे हर आदमी को परखने की कोशिश करते हैं, मगर हर इंसान दुनिया में मुनफरिद होता है, याद रखें। तो जनरलाइजेशन तो आप कर सकते हैं, इंफरादी तौर पर आप किसी की एनालिसिस करना बहुत मुश्किल काम है, 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। अल्लाह ताला बार बार कुरान में चंद चीज़ों का जिक्र करता और उन तमाम बातों का जो वो जिक्र कर रहा है, चाहे वो कौमों का जिक्र हो, चाहे नबियों का जिक्र हो, चाहे आमाल का जिक्र हो, बहुत सारी चीज़ें जहाँ कस्में खाइए, इन तमाम के पीछे जो बेसिक दो कॉन्सेप्ट वो ये है कि जन्नत और जहन्नम इंसान के अमल की वजह से होगी, यानी सजा और जजा का कॉन्सेप्ट परवरदिगार कंटिन्यूसली बता रहा है। भाई आग से डर आ रहा है, जहन्नम के अंदर जो तकलीफें होंगी उससे डर आ रहा है, क्यों डरा रहा है अल्लाह? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि आप राह रास्ते पे आओ, मेरा मानने वाला, मेरा बंदा सीधे रास्ते पे चले ताकि वो जहन्नम में ना जाए। उसके लिए अल्लाह खौफ को इस्तेमाल करता है। याद रखें, खौफ में बहुत बड़ी कुव्वत है, बहुत बड़ी ताकत है खौफ में। कई दफा सजा की ताकत जजा के इनाम से ज्यादा ताकतवर होती है, ये याद रहे आपको। अच्छा, इंसान बेसिकली खौफ उसके अंदर मौजूद होता है, अब इस पर कभी तफसीलन बात करेंगे। तो जब तक माशरे में ऐसी सजा ना हो जो नजर आए, और सजा के अंदर इस बर्बरियत से
उस शख्स की जान का खात्मा किया जाए तो ये देखने वालों के दिल दहल जाए। सिंपल फांसी काफी नहीं है, फांसी गले में फंदा करता है, बंदा नीचे आता है, झटका लगता है, यहाँ से गर्दन की हड्डी टूटती है, मर जाता है। आप उसको ऐसी सजा दें जैसे अगर सऊदी अरेबिया में गर्दन काटी जाती है, आप तलवार से गर्दन काटे, चौराहे पे काटे, पूरा मीडिया उसको देखे, लोग देखे, बच्चे ना देखे, मगर ये याद रहे कि जब इस किस्म की सजा होगी तो इंसान खौफ में मुब्तला होगा। किस बात का खौफ? कि कानून है और कानून पर अमल हो रहा है, अगर गलती करोगे तो पकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे तो सजा होगी, चाहे तुम किसी गवर्नर के बेटे या किसी प्रेसिडेंट के बेटे क्यों ना हो, किसी अमीर बाप के बेटे क्यों ना हो, किसी बहुत बड़े आला शाही अफसर के बेटे ना हो या उसकी औलाद ना हो, आपको सजा मिलेगी। जिस दिन ये माशरे में आ गया, हर इंसान को यकीन हो गया कि हाँ सजा होगी, उस दिन देखें हमारी बेटियों की, हमारी बहनों, हमारी माओं की इज्जतें और हमारे बच्चों की इज्जतें महफूज रहेंगी। बिल्कुल। अच्छा सर, इसके बाद अच्छा बड़े सारे लोग बात करेंगे जी आप लिंग्विस्टिकली चेंज करें, उसको विक्टिम ना करें, उसको सर्वाइवर करें, उसको डेफिनेटली विक्टिम शेमिंग शुड नॉट बी देयर। बहुत सारे लोग विक्टिम शेमिंग करेंगे, अकेली क्यों गई, किन बच्चों के साथ क्यों गई, इंश्योर नहीं था वहाँ पे, क्यों नहीं था। अच्छा डेफिनेटली उसकी फैमिली भी इंतजार करेगी कभी इस चीज़ को डिस्कस ना करें, बिकॉज मोर देन डीलिंग इट्स एक्चुअली हर्टिंग हर मोर। सो व्हाट शुड बी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड बी the things that we as people, as a big society, should be doing so that we could help her heal. Second question is that, कि सर अपने बच्चों में शुरू से ऐसी क्या चीज हम डालें कि वो ऐसे रास्ते पे फिर जाए ना। पहली चीज तो ये है कि हीलिंग किसी हद तक उस वक्त होगी जब उन मुजरिमों को सजा मिले और उस औरत को पता चलेगा कि ये मुजरिमों को सजा होगी, तब तो कुछ दिल को दरासा मिल दारस मिलती है और एक क्लोजर होता है, वो क्लोजर पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप जितने भी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें उसके साथ वक्त गुजारें, ठीक है, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, कई ज़ख्मों को वो ठीक कर देता है, मगर कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ ठीक नहीं होते, इनमें से एक ज़ख्म ये है। तो आप उसको इंसाफ दिलाएं, आप उसको आवाज़ उठाएं। आजकल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी पोस्ट आ रही है, आप छोटी छोटी वीडियोज़ बनाएं, उसको शेयर करें, ये वीडियो शेयर करें ताकि लोगों में आ गई हो और कोई ना कोई तरीके से उसको इंसाफ मिले। मजलूम के लिए सबसे बड़ी हीलिंग होती है उसको इंसाफ मिले। बस पहले बच्चों में क्या करना है, आपने अपने बच्चों की तरबियत में बात शामिल करना है कि कौन आपको टच कर सकता है, टच किस किस्म के होते हैं। आजकल तो स्कूल में ये बात है, गुड टच बैड टच की बड़ी बात हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों से दूर करें, सारे रिश्तेदार बुरे नहीं होते। ये जो हमारे रिश्ते हैं, ताया चाचा मामू खालू, ये बड़े मोतबर रिश्ते हैं, हम इनके इनके साथ रहते हुए हम बड़े हुए और इनसे बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत मिली है। मगर कुछ फैमिलीज़ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम गंदा आंडा कहते हैं, बैड एग्स कहते हैं। आपको अगर लगे, माँ को तो फौरन पता चल जाता है, बाप को थोड़ा टाइम लगता है, मगर माँ पहचान लेती है, उसकी छठी बहुत तेज़ होती है माँ की। आपको लगे तो उन बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें, फिर बच्चों को ये बात बताएं कि कोई आपको छूता है, टच करता है, अकेले कमरे में बुलाता है तो आपको क्या करना है, किस तरह करना है। और इनको ये भी कहें कि अगर कहीं जा रहे हो तो अकेले मत जाना, किसी के साथ जाना, वगैरह वगैरह। डिपेंड करता है मुख्तलिफ सिचुएशन में बच्चों को क्या करना चाहिए, इसकी तरबियत माँ बाप को अपने होगी। पाकिस्तान किस वजह से बना था? इस्लाम के नाम पर बना था, दीन के नाम पर बना था। आज इसी पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के अंदर दीन के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह इस्लामी उसूलों को पामाल किया जा रहा है, जहां किसी की इज्जत, किसी की दौलत, किसी की नामूस, कोई चीज महफूज नहीं है। सब छोड़ें, एक कमेंट आया है, मैं चाह रही हूं उस कमेंट पे जरा आप कमेंट करें। लेकिन सर शैतान किसी बंदे ने जो शायद किसी लड़के को रेप करने की कोशिश की थी या कर दिया था, उससे जब पूछा गया तो उसने कहा मैं क्या करूं जी, शैतान मुझ पर हावी हो गया। कितना जबरदस्त भावना, तो शैतान जब हावी हो गया
तो तुमने अपने हिस्से में जहन्नम लिख ली, खत्म, फिर सब करना बंद कर दो। क्योंकि शैतान जब हावी हो गया, इसका मतलब तुमने हावी होने दिया ना। शैतान ऐसे हावी नहीं होता। देखिए एक चीज बताऊं, अगेन ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया हमें। इबलीस को हमने एक फिगर दिया, एक शक्ल दे दिया दिमाग में, ठीक है ना। हम समझते इबलीस कोई ऐसी शक्ल है जो हमें गलत रास्ते पर डालता है। इबलीस वसवसे देता है, आपके जहन के अंदर वसवसे डालता है। और जिन्नात भी आपके साथ, जो बुरे जिन्नात होते हैं, जो काफिर जिन्नात होते हैं, बुरे जिन्नात होते हैं, वो भी इबलीस के लिए काम करते हैं। तो ये वसवसे डालते हैं, वहम डालते हैं, ना उम्मीदी डालते हैं आपके अंदर। मगर क्या आपके पास ईमान नहीं है? क्या आपको नहीं पता आप कौन है, आप किसके मानने वाले, किसकी उम्मत है? तो फिर शैतान इस इतने बुरे गुनाहगार अमल के लिए, गुनाहगार अमल के लिए किस तरह आपको राजी कर सकता है? इसका मतलब गलती आप में थी। याद रहे, कोई कुछ भी कहे, अगर आप में अपनी जात में आप पुख्ता हैं, स्ट्रांग है, मजबूत है, तो फिर आप आसानी से अपने रास्ता तब्दील नहीं करेंगे। एक और चीज़ आप हमेशा बताते हैं कि शैतान के पास सिर्फ वसवसा करने की हद तक ही इख्तियार है, और कुछ नहीं है। और कुछ एक्शन नहीं करा सकता आपसे, नहीं करा सकता। मैं आपको बताऊं ना, जब ये पूरा सिलसिला कुरान बताता है अल्लाह ताला कि जब उसने शैतान को मर्दूद कहा निकल जाए यहाँ से, उसने मोहलत मांगी कयामत, और कहा मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठूंगा और हर आने वाले को भटका दूंगा। ये नहीं कहा कि मैं उसको आने ही नहीं दूंगा, मैं भटका दूंगा, जो सीधे रास्ते पे जो भटकाऊंगा। तो भटकाया कैसे जाता है? वसवसे डाल के, ऐसे किस्म के थॉट डाल के कि इंसान फिर उस सीधे रास्ते से हट जाए। तो मेरे ख्याल में सिर्फ शैतान को ब्लेम ना करें। आपके अंदर जो आपकी नफ्स है, जो खुद गर्जी है, लालच है, हिर्स है, वो बहुत बड़ा शैतान आपको दे। अच्छा सर, अगेन किसी ने कहा है कि रेप इज अ कॉज, सॉरी रेप इज अ सिम्पटम, व्हाट इज द कॉज ऑफ सच काइंड ऑफ एन एक्शन? बहुत सारी चीजें, देखिए बाज दफा तो ज़हनी मरीज होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है सोसाइटी में। बेसिकली पाकिस्तान सोसाइटी इज अ सप्रेस सोसाइटी। बाजार कोई डिक्टेटर नहीं है, मगर आपके हुकूक नहीं है, आपको अदालत में इंसाफ नहीं मिलता। 20-20 साल 30-30 साल एक पूरी जनरेशन दुनिया से चली जाती है, इंसाफ नहीं मिलता। हर दफा डेट करते करते आखिर थक जाते हैं लोग इंसाफ की तलाश में। और जिस माशरे में इंसाफ ना हो, आज फिर कह रहा हूँ कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला कहता है उस माशरे पे से अल्लाह की रहमत उठ जाती है। फिर हम कितनी भी इबादत करें, कितनी भी नमाजें पढ़ें, कितने रोजे रखें, ज़कात दें, रब की रहमत उठ जाती है। मैं ना उम्मीद नहीं कर रहा, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना, और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना, मगर रहमत के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अब बताओ एक तल्ख बात, मगरिब में क्यों तरक्की है? मगरिब में इंसान को इलाज मिलता है, मगरिब में तालीम है, मगरिब में इस तरह आपका घर नहीं लूट सकता कोई, या आपके बच्चों के साथ ऐसी ज्यादती नहीं कर सकता, अगर करता है तो पकड़ा जाता है तो सजा होती है। वहाँ अल्लाह की रहमत क्यों है जबकि वहाँ दीन नहीं है? क्योंकि रहमत के लिए जो उसूल हैं, उन उसूलों पे वो तहजीब अमल करती है, हम नहीं करते। हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, और फिर कहते हैं कि मायूस मत होना। रहमत के कुछ उसूल हैं, कुछ जवाबित हैं, कुछ कवायद हैं, उसको फॉलो करना होता है माशरे में, तब अल्लाह की रहमत आती है। वरना कितनी कौमों को परवरदिगार ने तबाह कर दिया। ये तो हम बचे इस वजह से हैं कि हम उसके महबूब की उम्मत है। अगर हम उसके महबूब की उम्मत ना होती तो तब तक बर्बाद हो चुका होता पाकिस्तान। याद रहे, इससे पहले के गजब इलाही जोश में आए और हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी अजाब ना आए, बस परवरदिगार करे ना आए, हमें कम से कम इतना करना है। हमारा काम कितना होना चाहिए? अपना हिस्सा डालना। किस तरह डालना है? हक के लिए आवाज बुलंद करें, जुल्म के खिलाफ बोले, जो कर सकते करें, बस इतना करें। रोजे महशर परवरदिगार पूछेगा कि परवरदिगार मैं बोला था इस जुल्म के खिलाफ, मजलूम के लिए मैंने आवाज उठाई थी, हक के लिए मैं खड़ा हुआ था, इतना करें। अच्छा सर, to the rape victim, what would you suggest if she end up watching this? If
somebody can pass along the message to her. First of all, our doors are open for sure. We are will be there. Would she need some therapy to come out of this? पहली चीज तो ये अगर and what should the media be doing right now for the rape survivor? What as an individual we should be doing? बहुत सारे सवाल पूछ लिए. पहली चीज जो रेप सर्वाइवर अगर ये वीडियो देखे तो मैं बहसियत एक फर्द के इस माशरे में आपसे माफी मांगता हूँ. हम माफी मांगते हैं, हम सब मुजरिम हैं, कोई कम है कोई ज्यादा है, सब मुजरिम है. कि हालात बहुत अरसे से होते रहे, हमने गलत लोगों को चुना, उसके साथ गलत वाबस्तगियाँ रखी, गलत उम्मीदें वाबस्ता की, उसके बाद हमने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं करप्शन में मुब्तला हो गए. हम भी करप्ट माशरे में शामिल हैं, हम सब करप्ट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई कम कोई ज़्यादा. और जो नहीं है वो कम से कम उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो बोले ना, बोले वो भी करप्ट है. तो पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूँ. दूसरा, मेरे दरवाजे, मेरे इदारे के दरवाजे आपके लिए खुले. आपको डेफिनेटली थेरेपी की ज़रूरत हो. कोई बीमारी होती है तो बाकायदा इलाज होता है, इसका इलाज है, बाकायदा थेरेपी है. हम हाजिर हैं, कोई भी हमसे खिदमत हो सके हम डेफिनेटली इसको शर्फ समझेंगे कि हम आपके लिए कुछ कर सकें. हम माजी में जाके हालात तो नहीं बदल सकते, मगर मुस्तकबिल के लिए आपके अंदर वो हिम्मत, वो जुर्रत, वो कुव्वत पैदा कर सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजारें. दूसरा, माशरे को क्या करना चाहिए, फिर कह रहा हूँ, माशरे को खड़ा होना होगा, लड़ना होगा, और उन जालिमों को ऐसी बदतरीन सजा देनी होगी कि देख के रात को नींद ना आए, मुझे और आपको भी नींद ना आए. जब तक ये नहीं होगा तब तक माशरा नहीं सुधरेगा. माशरा में वायरस आ गया, माशरा करप्ट हो चुका है, इस हद तक करप्ट हो चुका है कि छोटे बच्चों का दूध भी नकली दिया जाता है. यानी वो मासूम बच्चे जो इस कौम का मुस्तकबिल है, उनको दूध जो देते हैं वो भी जाली दूध. जिन्होंने देखा, जिन्होंने सुना, जिनको जिनके इलाकों में हुआ, जिनके सामने हुआ, अब इसके बाद जब फॉर एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने आपको भी बोलते सुना है कि उर्ज गाड़ी, मतलब वैसे तो आप इतना वो नहीं करते, बट आपने कहा कुछ गाड़ी इधर से मत ले जाना, इधर से ले जाना, इतने बजे वापस आ जाना, मैंने पढ़ना, यू नेवर सी दैट टू मी. ये जो एक खौफ और हरासमेंट का समाज, हरासमेंट का समाज जो हमारे सर पे हावी हो चुका है, इसको अब हम कैसे डील करें? पहली चीज ये कि मीडिया का एक रोल था, मीडिया का रोल ये कि रेप सर्वाइवर को हाईलाइट करने की बजाय मुजरिम को हाईलाइट करो और एंड तक जब तक उसे सजा ना मिले उस केस को बंद ना करना. होता ही है, आज एक ब्रेकिंग न्यूज आई, कल मीडिया के पास दूसरी ब्रेकिंग, पहली चली गई, ऐसे कई केसेस भूल गए. कम से कम कोई एक सोशल मीडिया पे लोग या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस केस को लेकर उस वक्त तक ना बंद करे अपनी ट्रांसमिशन या अपनी कंटिन्यूसली हैमरिंग जब तक ये इसका नतीजा ना आए सामने, पहली चीज. दूसरा, मुझे और आपको ये करना होगा कि हमें अब अपना ख्याल रखना होगा, अपना, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का. कहीं पे भी सड़क पे जा रहे हैं, अगर आप गाड़ी में तो गाड़ी को लॉक रखें, बिला वजह गाड़ी ना रोके किसी सूरत में भी. अगर कोई गाड़ी में ख़राबी आ जाए तो बराए करम अपने घर वालों में से किसी को फ़ोन कर दें. कोशिश करें कि आप ऐसी जगह से जाएं जहां पे रौनक हो. अगर गाड़ी से उतरना है तो देखें कि रौनक वाली, अगर सुनसान जगह में गाड़ी से ना उतरे. गाड़ी ख़राब हो जाए बेहतर है गाड़ी बंद करके किसी तरह किसी के घर पर दबा जाएँ, दरवाज़ा खटखटाएं, बैल बजाएं, उनसे कहेंगे जी हमें प्रॉब्लम है, हम यहाँ आपके पास रह सकते हैं कुछ देर के लिए जब तक घर से कोई आ जाए. तो आपने पड़ोसियों से मदद मांगनी, अगर पड़ोसी नहीं तो किसी, कोई भी, देखिए अगर आप मुल्क में रहता हर शख्स आपका पड़ोसी एक तरह से, तो जो भी करीब में घर हो वहाँ जाके आपने दस्तक देकर उनसे हेल्प मांगनी. अच्छा सर, एक और चीज है कि आपने मुझे कहा था कुछ अरसे पहले तो किक बॉक्सिंग सीखो, सेल्फ डिफेंस सीखो. फॉर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट टू टीच देयर डॉटर्स एंड सन बोथ बहुत सारे तो नहीं सिखाया जा सकता बच्चों को क्योंकि वसाइल भी नहीं होते, मगर कराटे, किक बॉक्सिंग, ये वो आर्ट है जिसके बाद किसी हद तक आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं. ख़वातीन, खासकर जवान लड़कियां अगर ऑफिस में जाती हैं और वो रक्षा में जा रही है या कुछ, तो
अपने साथ पेपर स्प्रे ज़रूर रखें, ये बहुत ज़रूरत है आज के दौर की, पेपर स्प्रे रखें अपने साथ। एमरजेंसी नंबर इस तरह डायल करें कि आप एक नंबर एक 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 नंबर या एक वर्ड डायल करें तो ऑटोमेटिकली डायलिंग हो जाए। जैसे उरूज के लिए मैंने एक खास 3 अल्फ़ाबेट का एक वर्ड लिखा है, जब मैं उसे टाइप करूँगा अपने उसमें क्या कहते हैं डायल करूँगा तो उरूज का नंबर डायल हो जाएगा, क्योंकि मिसाल दे रहा हूँ मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहे। उसके अलावा अपने आने और जाने की, हाँ एमरजेंसी कॉन्टैक्ट, अपने आने और जाने की खबर अपने घर वालों को रखें, घर से निकलते हुए घर वालों को बोले, ऑफिस पहुँच कर अगर आप वर्किंग वूमेन है ऑफिस पहुँच कर घर फोन करें या व्हाट्सएप मैसेज करें मैं पहुँच गई हूँ कैरियर से, और जब वहाँ से निकले तो मैं निकल रही हूँ, इस तरह ये सिस्टम करना होगा। अब हमें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी, अब ये भूल जाएं कि आपकी हिफाजत बहुत सारे लोगों के जिम्मेदार हैं, उनमें से कुछ तो बहुत अच्छे हैं, मतलब जान देकर आपकी जान बचाते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं ऐसे जिनको हम समझते हैं। तो बराए करम अपनी हिफाजत अपने हाथ में, अपनी ज़िंदगी का अख्तियार अपने हाथ में लें, एक दूसरे का सहारा बने। This is how we can win this war. अच्छा उन लोगों के लिए क्या करेंगे हम, बात तो करें जिसने रेप किया, उसने एक दफा ये अमल किया which was definitely the worst thing that he could do, लेकिन उसके बाद जो victim shaming हुई, आप उस अमल को क्या कहेंगे, वो तो दरिंदा था ही था, उससे भी बढ़कर था, लेकिन जो लोग अब victim को अब्यूज कर रहे हैं या उसके बारे में गलत कह रहे हैं या कह रहे हैं कि उसकी गलती थी, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? जो रेपिस्ट था उसने अमल किया, उस वक्त क्या उसकी कैफियत होगी मुझे नहीं पता, जुनून की कैफियत थी, हिर्स थी, जो भी थी क्या, मगर जो शेमिंग कर रहे हैं, शेम कर रहे हैं, वो उससे बड़ा दरिंदा है। यानी आप एक मजलूम को इंसाफ दिलाने की बजाय उसकी गलती बताना चाह रहे, कोशिश कर रहे हैं, उसे गलत साबित करना चाह रहे हैं, तो आप वो रेपिस्ट से ज्यादा बड़े रेपिस्ट है, क्योंकि उसने तो फिजिकली रेप किया मगर आप कैरेक्टर को रेप कर रहे हैं। तो बहुत सारे और सवाल हो सकते हैं, नहीं अब टाइम भी नहीं है। टू ऑल द मदर्स एंड फादर्स आउट देयर, टू ऑल द वुमेन आउट देयर, टू ऑल द मेन एंड मेल किड्स आउट देयर, फीमेल किड्स आउट देयर, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वुड वांट देम टू अडॉप्ट इन देयर लाइफ दैट वुड मेक इट बेटर? बिकॉज़ अगर मैं एक ऑनेस्टली बात करूं, मैंने एक हरेस्ट वुमेन का साथ में गई थी मेडिकल चेकअप कराने, तो वो बेचारी जितना वो हरेस हुई थी वो मेडिकल चेकअप में जब तक पहुंची तब तक वो फील करती थी शी वाज स्ट्रिप्ड डाउन लिटरली, क्योंकि वो मेडिकल चेकअप तो कहां का कहां होना था, उन्होंने उसको उधर ही जलील कर दिया। सो वी डोंट हैव अ वे फॉरवर्ड ऑन इन द इन द इन द आई ऑफ लॉ फ्रॉम द लॉ, व्हाट वी शुड बी डूइंग एज अ नेशन, क्या हम इकट्ठे होकर खुद ही अपना लॉ करें क्या करें? एक तो जितने भी गैरतमंद बादशाह मर्द है माशरे में, कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई शौहर है, कोई भाई है, कोई दोस्त है, वो अपने घर की ख्वातीन की, अपने छोटे बच्चों की, चाहे लड़का हो लड़की हो, मोहल्ले के बच्चों की, मोहल्ले की बच्चियों के ऊपर नज़र रखें, उनकी हिफाजत करें, अगर उनको कुछ हो तो आज मोहल्ले वाले सारे के सारे निकल आए। मुझे हैरत थी, इतना बड़ा सानिया हुआ, और इससे पहले भी कितने में लाखों लोग क्यों रोडों पर नहीं आते पाकिस्तान में, क्यों नहीं आते? अय्यूब खान के ज़माने में एक छोटी सी बात पर लाखों लोग रोड पे आ गए थे कराची में, आज क्यों नहीं आ रहे कराची? क्योंकि आपकी लीडरशिप नहीं चाहती कि लोग रोड पर आए, लीडरशिप नहीं चाहती, सबको अपनी कुर्सियों का खतरा होता है, अपनी वजारत का खतरा होता है। तो अब आपने क्या करना होगा, आपने एक दूसरे का सहारा बनना होगा। सिंपल, में बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, सिंपल सी चीज़ है, मैं आपका सहारा, आप मेरा सहारा, अपने गली में बच्चों की बच्चियों की सहारा बने, नज़र रखे, बच्चे गलियों में खेलते हैं उन पे नज़र रखे, कोई आगे पीछे ना आए तो मेहरबानी करके। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था मगर बहुत एहतियात से मैं बोल रहा हूं। 282 लोग देख रहे हैं, लेट्स सी हम 282 लोग इंक्लूडिंग मी एंड सर, व्हाट डिफरेंस डू वी मेक? व्हाट माय जॉब वाज के 11 बजे मैं ये लिंक अपलोड करूं डॉक्टर मेरे से आया है, उनकी जॉब थी वो आके आपको बात समझाए। Now, all the people who are listening and watching and commenting, let's see what difference do we make. Because... बिल्कुल सही, याद रहे, फिर कह रहा हूँ। दीन इस्लाम के दो मेन पोर्शन हैं, एक इबादत अल्लाह की जो कि नमाज है, रोज़े हैं, और दूसरा वो नमाज के बाद और
उसके आने वाली नमाज के दरमियान का जो वक्फा है, जो पीरियड है, वो दूसरा पहलू इस्लाम का है, उसको हम भूल गए। बस इस पे तवज्जो दें, दूसरों को तवज्जो दिलवाएं, हुकूक उल इबाद पर, इखलाकियात पर, इकदार पर, मामलात पर इंसान के साथ, अगर उस पे हम थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें तो शायद माशरा बेहतर हो जाए। चलिए, अगर आप किसी सर्वाइवर को जानते हैं, अगर आपको पता है आपके खानदान में, रिश्तेदारों में आपकी बेटी या बेटे के साथ कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल ना शर्माएं, उस बात को आगे करें किसी से। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा किस तरह बात करें, फील फ्री टू गिव मी अ कॉल टू डिस्कस ओनली दिस मैटर कि मैं किस तरह आगे बात करूं, या मुझे किसी हेल्प की जरूरत है, आई विल बी देयर, वी विल बी देयर, व्हाटएवर वी कैन डू फॉर यू गाइस। अदर देन दैट, डोंट मैं कर रहा हूँ मेडिटेशन। एक तो दोस्तों, आज हम इस सारे ने मुझे भी हिला के रख दिया है, रूज को भी हिला के रख दिया है। पूरा दिन हम जो थे वो इस पर ही काम करते रहे, बड़ी कोशिश करते रहे किसी तरह भी कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकले जिसमें हम कुछ कर सकें। तो आज में वो मेडिटेशन जो हमने बहुत पहले की थी, जिसमें आप सूरज की रोशनी आपके घर में आएगी और आप उस रोशनी पे चलेंगे, तो क्या अब हमें वो रोशनी चाहिए, वो नूर चाहिए, ईमान का वो नूर चाहिए, रोशनी चाहिए? हम अंधेरे में हैं, हम बहुत बुरी हालत में, ये जो अजीब वरीब अंधेरा है, जुल्मात जिसे कहते हैं, कुरान कहता है जुल्मात का अंधेरा, इससे हमें निकलना है, तो वो मेडिटेशन करेंगे। तो लाइटें बंद कर दीजिए, उरू जिसको जरा सेटिंग पे लगा दो, मेरे घर में वाईफाई चला गया था, आंखें बंद कर लीजिए दोस्तों। तैयारी कर लीजिए, लेटना है लेट जाइए, बैठना है बैठे, जिस पोजीशन में आप चाहें। मैं 20 से गिनती गिनूंगा, हर गिनती पे आप महसूस करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स हो गए। जब एक के काउंट पे पहुँचूंगा तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो चुके हैं। 20, 90, 80, 70, 16, अपने आप को रिलैक्स करें। 15, 14, 13, फील मोर एंड मोर रिलैक्स। 12, 11, 10, 9, महसूस करें कि आप एक बड़ी ही ख़ास कैफियत में, जहां पे हर किस्म का स्ट्रेस और टेंशन आपके अंदर से निकल रहा है। 8, उसमें जाते जा रहे हैं। 7, 6, 5, 4, feel going deeper and deeper. 3, 2, 1, बदन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और कुछ गहरी सांसें लें, और सांस निकालते हुए अपने पूरे वजूद में से हर किस्म का स्ट्रेस, टेंशन, ज़हनी दबाव, फिक्र, परेशानी, उसको अपने वजूद से निकाल दें। अभी बात ज़हन नशीन कर लें कि मेरे और आपके अंदर रोशनी है, हमारे अंदर रोशनी है, और हम रोशनी पर सफर कर सकते हैं। 1 से 3 गिनूंगा, 3 पे चुटकी बजाऊंगा, आपके घर में एक रोशनी की बहुत बड़ी किरण आएगी। आपने खाली इस किरण पर सवार होना ही आपको मकाम लाहूत की तरफ ले जाएगी ये किरण।
आप अपने साथ अपने घर वालों को, बच्चों को, घर में कोई बीमार हो उसको भी लेके जाए। एक दो तीन, तस्वीर करें आपके घर में रोशनी की किरण आई है, जैसे सूरज की किरणें होती है, मगर ये किरण बहुत बड़ी है, चौड़ी है बहुत, और उस किरण पे पैर रखें और ये किरण आपको लेके जाती है। जैसे जैसे किरण ऊपर की तरफ जाती है आप महसूस करें जैसे आपका बदन इतना हल्का हो गया कि हवा में मुअल्लक होता जा रहा और उठता जा रहा है, और जैसे जैसे ऊपर उठता जा रहा है आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपने घर से बाहर आ गए और अब आपको बाहर से अपना घर भी नजर आ रहा है, मोहल्ला भी नजर आ रहा है, और ये जो रोशनी की किरण है इसका रंग सुर्ख है, और जैसे जैसे रोशनी की किरण ऊपर की तरफ जाती जा रही है, ऊपर की तरफ जाती जा रही है, आपको पूरा इलाका नजर आ रहा है, और दरख्त तो छोटी छोटी गाड़ियां नजर आ रही है क्योंकि आप ऊपर है, हर चीज छोटी होती जा रही है, और जैसे जैसे किरण ऊपर की तरफ गई तो अब इस किरण का रंग जो है वो ऑरेंज हो गया, और अब आपको पूरा का पूरा शहर और मुल्क भी नजर आ रहा है, जहां जहां नीला रंग है वो पानी है, जहां ब्राउन या भूरा रंग है वो जमीन है, अब गाड़ियां नजर नहीं आ रही, और ऊपर की तरफ जाते जाते अब आपको अपना कॉन्टिनेंट नजर आ रहा है, और यहाँ जो रोशनी की किरण थी उसका रंग येलो हो गया। अब जैसे जैसे रोशनी की किरण आपको ऊपर की तरफ ले जा रही है, जैसे एक रॉकेट ले जाता है, हवाई जहाज ले जाता है, तो अब आपको समंदर नजर आ रहे हैं और बड़े बड़े पहाड़ छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, और अब ये लग रहा है जैसे आप अपनी दुनिया को देख रहे हैं, गोला है जिसमें से आप निकले हैं, और यहाँ रोशनी की जो किरण है उसका रंग हरा हो गया, ग्रीन हो गया, और आपको अपनी जमीन नजर आ रही, अब आप खला में हैं, और रुकी खला में और भी बहुत कुछ है, जमीन की तरह बड़े बड़े गोले हैं, ये प्लैनेट्स हैं, और अब सूरज है आपके सामने, और ये सारे प्लैनेट्स और उनके चांद और आपके अपना चांद, ये तमाम के तमाम सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं आपने महसूस किया कि आप एक और इस दुनिया में बहुत सारे सूरज हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और यहाँ रंग जो है वो नीला हो गया रोशनी का, तो अब आप एक कहकशां के अंदर, जिस कहकशां में ना जाने कितने सूरज है, कितने सितारे हैं, कितने कुर्रे हैं, कितने प्लैनेट्स, और ऊपर जाते जाते अब रंग जो है वो वायलेट हो गया रोशनी का, और लग रहा है कि अब आप एक ऐसी खला में हैं जहाँ कुछ नहीं है सिवाय एक सनसनाहट के, जहाँ कुछ नहीं है सिवाय एक सनसनाहट के, और यहाँ पर इस रोशनी की किरण का रंग सफेद, ये मकाम लाहूत है जहाँ दूई नहीं है, जहाँ अपोजिट नहीं है, जहाँ सिर्फ हक है, सच है, झूठ नहीं है, जहाँ प्यार है नफरत नहीं है, जहाँ सच्चाई है धोखा नहीं है। अब यहाँ से अपनी दुनिया को बनी नौ इंसान को हीलिंग भेजे, हीलिंग दे, दुआ भेजे, दुआ दे, उन लोगों को जिन्होंने आपको तकलीफ दी हो, परेशान किया हो, उनको आप दुआ दें या दुआ भेजें। ये मकाम लाहूत है,
अब अपने रिश्तेदारों को, अपने हम वतनों को, शहरियों को, पड़ोसियों को, उन सबको दुआ दें, दुआ भेजें, हीलिंग दें, हीलिंग भेजें। अब अपने को, खून के रिश्तों को, औलाद को, माँ बाप को, भाई बहन को, उन सबको दुआ दें, दुआ भेजें, हीलिंग दें, हीलिंग भेजें। अब अपने लिए दुआ कीजिए, दुआ मांगिए। अल्लाह ताला आपको, हम सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे, हक पे साबित कदम होने की और हक की बात करने की जुर्रत और हौसला दे। बाएफलाक जिंदगी गुजारें, सच और हक का साथ। अब मैं जब गिनती शुरू करूंगा तो वापस आप नीचे आना शुरू करेंगे, रोशनी की किरण आपको नीचे ले आएगी। एक किरण आपको नीचे ला रही है, अब रंग उसका हो गया जामनी और अब आप वो एक कैफियत में है जहां कुछ नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता आप एक कहकशा में है। बहुत सारे तारे, बहुत सारे सितारे, बहुत सारे सूरज, बहुत सारे चांद, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और यहाँ रंग जो है वो नीला है रोशनी का। और जैसे जैसे आप नीचे आते हैं और अब रंग ग्रीन हो गया रोशनी का, तो पता चला आप अपनी सोलर सिस्टम में, निज़ाम शमशी में हैं। आपका चांद, आपकी दुनिया, आपका सूरज, आपके दूसरे हमसाए प्लैनेट्स मौजूद हैं। और नीचे आते आते आप अपनी दुनिया की तरफ आना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे आपने आना शुरू किया, रंग पीला हो गया और अब आप अपनी दुनिया में एंटर हुए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता अपने बड़े आज़मों को देखें, और नीचे आते आते अपने कॉन्टिनेंट पे आए, अपने कॉन्टिनेंट से अपने इलाके में आए, अपने मुल्क में आए। यहाँ रंग ऑरेंज हो गया और वहाँ आप अपने शहर की तरफ आए, शहर में आते आते अपने मोहल्ले की तरफ आए। अब किरण का रंग सुर्ख हो गया और किरण आपको आपके घर में बाहिफाजत आपके प्यारों के साथ किरण ने उतारा। और आंखें खोल ले, टेन थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द मेडिटेशन टुडे। बिकॉज पहले तो लाइट चली गई थी हमारी, एंड नाउ आई थिंक देयर इज सम इंटरनेट इशू एज वेल, बट वी एंडेड अप डूइंग द होल सेशन। एंड आई नो यू आर नॉट इन योर राइट हैप्पी माइंडसेट टुडे बिकॉज यू आर काइंड ऑफ फीलिंग I am also affected by I think all of us. अगर जिसमें भी गैरत है, शऊर है, एहसास है, जिसमें जरा सी भी empathy है, दर्द दिल है, वो अफेक्ट होगा। आखिरी आप हमारी गवर्नमेंट को, वो लोग जो इसके लिए अब इंसाफ दिला सकते हैं उनके लिए क्या नहीं है? मेरे ख्याल में मैं जो है क्या कर सकूंगा, मैं बाजार तो कुछ नहीं बोल ही सकता हूँ। इतना याद रखना कि जब आप इख्तदार में होते हैं ना, तो आपके मुल्क में रहने वाला हर शख्स, हर शहरी, मर्द औरत, बच्चे, जो भी है, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई भूखा सोएगा ना, तो आपको पकड़ होगी कि आपने पेट भर के खाना कैसे खाया। एक बहुत मशहूर किस्सा था एक इमाम का, एक बादशाह उनकी बड़ी इज्जत करता था। अक्सर वो इमाम को अपने दरबार में बुलाते, बादशाह से मुराद ये कि वो खलीफा थे, खलीफा इमाम को बुलाते, अच्छी बातें सुनते, उनकी बड़ी इज्जत करते थे। एक दिन इमाम खलीफा के साथ बैठे थे कि सिपाही जो है वो एक बुजुर्ग शख्स को लेके आए, लंबी सी दाढ़ी थी, हाथ पे तस्बीह थी, मगर दोनों हाथ में हथकड़ियाँ थी। तो खलीफा ने पूछा, क्यों लाए हो इस शख्स को, ये तो बड़ा नेक इंसान लगता है, माथे पे मेहराब का निशान था। तो उन्होंने कहा, इस शख्स ने चोरी की है, पकड़ा गया और हम लेके आए। तो खलीफा ने पूछा, बताओ तुमने चोरी की है? उसने कहा, हाँ की है मैंने चोरी, एतराफ़ किया, सच्चा आदमी था ना।
खलीफा ने कहा ठीक है भाई, इस्लामी कानून के हवाले से उसके हाथ काट दिए जाए। इमाम ने कहा रुको, पहले इससे पूछो इसने चोरी की क्यों। खलीफा ने उससे पूछा, उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं एक दूसरे शहर से आया हूँ, यहाँ पे कुछ सामान खरीदने आया था, मेरे पास अशरफी की एक थैली थी, रात को मैंने सराय में सोया, किसी ने मेरी थैली निकाल ली, सुबह जब उठा तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मजदूरी ढूंढने लगा कि शायद इस तरह दो वक्त की रोटी मिल जाए, मैं बुजुर्ग था, उम्र बड़ी थी, मुझे किसी ने काम नहीं दिया, तीसरे दिन मैं भूख से जब निढाल था तो एक नानबाई की दुकान पर खड़ा था, गरम गरम नान बन रहे थे, मैंने उससे मांगा, उसने नहीं दिया क्योंकि पैसे नहीं थे, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने एक नान उठा लिया, चूंकि चोर नहीं था तो पकड़ा गया। तो इमाम ने कहा खलीफा हाथ इसके नहीं तुम्हारे कटने चाहिए। खलीफा परेशान हो गया, मेरे क्यों। इमाम ने कहा कि तेरी सल्तनत में, तेरी हुकूमत में, तेरी रियाया में कोई शख्स रात को भूखा सोए और तू पेट भर के खाए तो मुजरिम तू है, वो नहीं, चोरी उसने नहीं की, तूने की। आबाद रहे, शाद रहे, खुश रहे। अल्लाह ताला आपको बेताश खुशियाँ दे, तौफीक दे, खुशियाँ दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदा।